नीतीश जी को तेजस्वी बाबू कैसी गलती मत करो, इस देश को जात के आधार पर मत बांटो बेटा। जो राम कृष्ण की बात करेगा वो भारत पर राज्य करेगा। अब बिहार में खुलेआम जात के आधार पर गणना कराकर हिंदुओं में भेद डालने की कुत्सित, ये जात के आधार पर नहीं बटेगा और जात के आधार पर अब वोट नहीं मिलेगा। षड्यंत्र की नीति अपनाई गई, कितना घिनौना हो गया। जाति सर्वे के जरिए हिंदुओं को बांटा जा रहा है। इस देश पर वही राज करेगा जो राम और कृष्ण की बात करेगा। दरअसल बिहार सरकार ने जाति सर्वे कराई, आंकड़े सार्वजनिक कर दिए और बता दिया कि बिहार में किस जाति की कितनी संख्या है, जिसके बाद जाति को लेकर राजनीति तो हो ही रही है। तो वही दूसरी तरफ धर्म गुरुओं का भी बयान आना शुरू हो गया। दरअसल तुलसी पीठाधीश्वर जग गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज ने बिहार में हुई जातीय गणना पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि जातीय गणना कराकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने हिंदुओं को बांटने का काम किया है। कितना बुरा हुआ ये, अब कौन समझावे नीतीश जी को, तेजस्वी बाबू कैसी गलती मत करो, इस देश को जात के आधार पर मत बांटो बेटा। राम भद्राचार्य जी महाराज ने कथा वाचन के दौरान सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम लेकर जाति गणना को अनुचित बताया है। उन्होंने कहा कि नीतीश जी और तेजस्वी बाबू को अब कौन समझाएगा कि ऐसा घिनौना काम न करे जिससे हिंदू जो है वो बट जाए, हिंदू नहीं बल्कि वो अलग अलग जातियों में उनकी पहचान रह जाए। दरअसल आपको बता दें कि महाराज जी बगहा जिले में कथा वाचन के दौरान ये बातें कही है और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस देश पर वही राज करेगा जो राम और कृष्ण की बात करेगा। जो राम कृष्ण की बात करेगा वो भारत पर राज्य करेगा। तो हिंदू धर्म के ज्ञाता हैं और उन्होंने जातीय सर्वे पर बड़ा सवाल उठा दिया है और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की सरकार ने जातीय सर्वे कराकर हिंदुओं को बांटने का काम किया है। अब तक लोग हिंदू थे लेकिन जाति सर्वे रिपोर्ट आने के बाद उनकी पहचान यादव, राजपूत, भूमिहार, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, महादलित में होने लगी है और जिस तरह की संख्या सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं ये, और उसको लेकर भी कई सवाल राजनीतिक तौर पर उठ रहे हैं। लेकिन इस बीच धर्म गुरु ने स्पष्ट तौर पर कहा नीतीश बाबू और तेजस्वी बाबू को कौन समझाएगा कि ये फैसला कहीं से भी सही नहीं है, ये हिंदू धर्मों को बांटने की एक बड़ी साजिश है। तो तुलसी पीठाधीश्वर जग गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज बगहा पहुंचे हैं, वहां पे कथा वाचन के दौरान उन्होंने स्पष्ट तौर पे अपने जो श्रद्धालु थे, उनके मानने वाले लोग थे, जो उनके भक्त थे, उनसे अपील की कि आप लोगों को बंटना नहीं है, जाति सर्वे हुई है लेकिन ये हिंदुओं को बांटने की एक बड़ी साजिश है। तो ऐसे में लोगों को बंटना नहीं है, विकास के नाम पर वोट होगा, जात के नाम पर वोट नहीं होगा। जो विकास की बात करेगा, जो विकास करेगा वोट उसी को दिया जाएगा और इस देश पर वही राज करेगा जो राम और कृष्ण की बात करेगा। बहरहाल आपकी क्या राय है आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।